अगर मुझे मैं तमिल जानता तो मैं सचमुच दक्षिण भारतीय हो जाता। इतनी बड़ी पार्टी, इतनी बड़ी हुकूमत और उसके लोग मेरे सामने आने से घबराते हैं। हिंदी दुनिया और जो नेशनल दुनिया है इसकी अपनी एक समस्या है। जो लोग वहाँ पर लीड करते हैं या जो हैं उनके दिमाग में है ही नहीं शेष भारत, और वो मीडिया जो है वो चाहता है कि नॉर्थ इंडिया हमेशा कुआं में रहे। तो जिसे हम नेशनल मीडिया कहते हैं रीजनल भी नहीं है, वो लोकल मीडिया है वो पूरी तरीके से। जब वो बड़े बड़े संस्थानों को ख़त्म करती है तो ये बताइए कि आपको या वायर को या स्क्रोल को दबा देना क्या कौन सा मुश्किल है। आप प्रॉब्लम को शिफ्ट करना चाहते हैं, आप जनता को कहीं और भटका के रखना चाहते हैं। इस आवाज़ की कोई वैल्यू नहीं है तो मुँह पर पट्टी लगा लीजिए, फिर बोलने की क्या ज़रूरत है, ऑपरेशन करा के सिलवा लीजिए, फिर क्या हम अब बोलेंगे ही नहीं, हमको अब ज़रूरत ही नहीं है बोलने का, जो होगा हम ऐसे ही जिएंगे बिना बोले हुए। नमस्कार, द रूस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज एक सच्ची पत्रकारिता और एक अखंड आवाज की जीत हुई है। ये जीत उन लोगों के सामने हुई है जो इनको ट्रोलों के जरिए रोज मारते थे। ये जीत उनके खिलाफ हुई है वो राजनीतिक पार्टी जो इनको बॉयकॉट कर चुकी थी, इनके पूरे चैनल को बॉयकॉट कर चुकी थी, इस डर से कि कहीं ये शख्स ऐसे कोई सवाल ना पूछ ले जिसका जवाब हम नहीं दे सकें। एक ऐसी आवाज़ जिसको पूरे का पूरे आईटी सेल ने चारों तरफ से घेर रखा था, वो आवाज़ आज पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रवीश कुमार जी की। रवीश कुमार जी को रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये एक ऐसा पुरस्कार है जिसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। रवीश कुमार जी पहले ऐसे शख्स नहीं हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। इनसे पहले भी कई भारतीय जर्नलिस्ट को ये पुरस्कार मिला है। चलिए पहले उस पर नजर डाल लेते हैं, आखिर ऐसे कौन कौन लोग हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। सन 1966 में अमित चौधरी, सन 1975 में बीजी वर्गीस, सन 1982 में अरुण शौरी, सन 1984 में कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण, 2007 में पी साईनाथ और अब 2019 में रवीश कुमार। कितनी फख्र की बात है कि हिंदुस्तान के कई ऐसे लोगों को चुनकर इस नोबेल पुरस्कार को दिया जाता है। दुख की बात यह है कि हिंदुस्तान की जो सरकार है, भारत की जो सरकार है, वो इन तमाम लोगों को अनदेखा कर देती है। यानी ऐसे पत्रकार जिनको यकीनी तौर पर सम्मान मिलना चाहिए उसको एक बाहरी मुल्क सम्मान देता है, लेकिन खुद भारत सरकार उनको बॉयकॉट करती है। रवीश कुमार जी को एक ऐसे समय पर इस अवार्ड से नवाजा गया है जब मीडिया बिक चुका है, जहां पर तमाम वो पत्रकार जो या तो घुटने टेक चुके हैं फिर डर चुके हैं, जो लोग हैं उनका मीडिया से भरोसा भी उठता चला गया है। ये एक ऐसी किरण है जहां पर ये दिखता है कि रवीश कुमार जैसे लोग, जिनको कुछ लोग एंटी नेशनल भी कहते हैं, उनकी वजह से आज पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन होता है। उनको इस वजह से पुरस्कार दिया गया है कि वो एक सच्ची निष्ठा के साथ पत्रकारिता करते हैं, ना वो कभी दबे हैं ना कभी वो बिके हैं, वो भी ऐसे समय पर जहां पर सत्ताधारी पार्टी का दखल सबसे ज़्यादा है, जहां पर ट्रोलरों का असर सबसे ज़्यादा है, जहां पर धमकियों का असर सबसे ज़्यादा है। रवीश कुमार जी से हम कुछ समय पहले मिले थे, उन्हीं की ज़ुबान से सुनिए कि वो पत्रकारिता में कैसे आए, वो आज की पत्रकारिता को कैसे सोचते हैं, कैसे देखते हैं, आज की राजनीति को कैसे देखते हैं। आपको यकीन आ जाएगा कि इनको ये नोबेल पुरस्कार अगर मिला है तो ये सही मिला है। रवीश कुमार जी आपके समक्ष। तमिलनाडु की राजधानी और भारत के सबसे मशहूर शहरों में से एक शहर चेन्नई, जहां की खबर शायद ही आपके पास छन छन कर पहुंचती हो। आज इसी शहर में एक ऐसे इंसान से हमारी मुलाकात होने जा रही है। उन्हें हिंदी पत्रकारिता का बेबाक रवीश कहा जाता है। रवीश कुमार जी एनडीटीवी में चिट्ठी छांटता था और वो 50 रुपया डेली पे, बाद में 100 रुपया डेली पे भी छांटा। ये लोग लिखकर भेजते थे गुड मॉर्निंग इंडिया में कि इस प्रोग्राम में मुझे अच्छा लगा, इस प्रोग्राम में वो अच्छा लगा। तो एक दो बोरियां चिट्ठी आती थी, और तो वो मैं एंकर और प्रेजेंटर के हिसाब से छांट के लोगों को देता था, उसका एक फीडबैक बनाता था, यही काम करता था।
फिर बाद में ट्रांसलेटर हो गया और फिर धीरे धीरे रिपोर्टर, फिर एंकर और ये सब। उसके बाद विजिटिंग कार्ड रखना फेंक दिया फेंक दिया विजिटिंग कार्ड। नहीं रखते, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाए तो अलग बात है, तो क्या ज़रूरत है विजिटिंग कार्ड की, क्योंकि दुनिया को देखने का नज़रिया जो है वो एक दिन में नहीं आता है, वो घिसते 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 आता है। और जब वो आ जाता है ना, तो आपको पहचान की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको नज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो नज़र होनी चाहिए, नज़र एक बार मिल जाए तो आप उसके सहारे तमाम गुमनामी और तमाम पहचानों के समंदर के बीच से निकल जाएंगे आप। राहुल, बहुत फर्क आ गया है। हम उस कोई स्वर्ण युग तो पत्रकारिता में कभी रहा नहीं, कभी भी नहीं। आज़ादी के समय में भी गांधी जी संपादकों और अखबारों के बारे में लिखा करते थे, लेकिन तब लोग थे कि जो सत्ता को चुनौतियां देते थे। अखबार के भीतर भी चार पांच पत्रकार होते थे जो सरकार से सख्त सवाल कर लेते थे, लेकिन वो जो ढांचा धीरे धीरे ढह रहा था, अब वो कोलैप्स कर गया है पूरी तरीके से। और सबने एक डर का चादर ओढ़ लिया है। आपने, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने सुब्रमण्यम भारती जी की कविता का वो मुखड़ा मुझे बताया कि डर का मतलब नहीं है ना। तो अच्चम वेनवधु इलैया, अच्चम येनवद इलैया, अच्चम येनवद इलैया। हाँ, तो देखिए, आपकी वजह से एक एक वाक्य भारती जी की मेरी जुबान पर तो आ ही गया ना। तो ये डर का मतलब नहीं, लेकिन वहाँ पर है डर का बहुत मतलब है। आप एक बार डर जाएं तो सरकार से बहुत कुछ मिलता है। मिलता क्या है, कंधे पे हाथ रखकर मंत्री भी बात करते हैं और आपको हमेशा एक तरह का संरक्षण मिल जाता है, सिक्योरिटी मिल जाती है, और उसके बदले में आप सवाल नहीं करते। तो 90% मीडिया कोलैप्स कर गया है दिल्ली का। हाँ, वो डॉर्मेट बन गया है पाँव पोछ कर आगे जाने के लिए, और जो पत्रकार हैं वो भजन भोजन में लगे हुए हैं, और दिन भर उनको सरकार और सत्ता में ही आलोचना के नाम पे वो छोटी मोटी कमियां निकाल देते हैं कि हाँ, ये टिकट जो रेलवे टिकट है वो उसका रिटर्न मिल जाए समय से तो लोगों को परेशानी नहीं होगी। इस तरह की पत्रकारिता आजकल हो रही है, लेकिन नीतियों में, पॉलिसीज में निकालना और देखना कि आप जो कह रहे हैं उसका ठीक उल्टा हो रहा है और कर रहे हैं, उस पर नहीं। तो एक डर का माहौल तो बन गया है, और उनको लगता है कि डर का बहुत मतलब है। कौन जाए लाइसेंस कैंसिल कराए, कौन जाए चैनल बंद कराए, आजकल तो कॉरपोरेट टेक ओवर का भी नया नया फार्मूला है। हम और आप जैसे लोगों के पास जगह नहीं है, क्योंकि हर चैनल उन्हीं उद्योगपतियों का है जो उनके करीबी के लोग हैं, तो आपके लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो इसमें कोई पत्रकार अपने दम पर कितना लड़ता चला जाएगा अकेले, ठीक है। तो मुझे लगता है कि समाज को अब पत्रकारों के लिए खड़ा होना पड़ेगा, जो लगता है कि वो थोड़ी हिम्मत दिखा रहे हैं। अगर समाज नहीं खड़ा होगा ना, चाहे कहीं का भी समाज हो, तो इसका नुकसान उस पत्रकार का नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक है और समाज करोड़ों में है। करोड़ों लोगों की आवाज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि हम या आप सबकी आवाज़ बन जाते हैं, नहीं बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं। वो तो पूरा एक, कई अखबार होते हैं, एक अखबार में 100 लोग होते हैं, तब जाकर छोटे से हिस्से की आवाज़ बनते हैं, तो एक आदमी कैसे बन सकता है। तो समाज को देखना चाहिए। और मेरा अपना मानना है राहुल जी कि जो डेमोक्रेसी है, आप किसी गवर्नमेंट का असेसमेंट कैसे करते हैं, जब तक उस गवर्नमेंट में फ्री मीडिया नहीं है, उस गवर्नमेंट के असेसमेंट का कोई मतलब नहीं। क्योंकि आप झूठ के आधार पर असेसमेंट करेंगे क्या सरकार का, नहीं। तो जब सवाल हम और आप उठाते हैं तो कई तरह का पर्सपेक्टिव बनता है, फिर आप देखते हैं कि हाँ चलो, ऐसे भी पूछ के देख लिया, ऐसे भी पूछ के देख लिया, तो ठीक है मामला। तो वो मामला अब ख़त्म कर दिया गया है। पत्रकार जो हैं वो सरकार की साइड से दूसरे पत्रकारों को निशाना बना रहे हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि मीडिया में ही सब कुछ ख़राब है। तो पहले सारे रूल तोड़ दिए गए, उसके बाद आपको डिस्क्रेडिट किया जा रहा है और आपसे कहा जा रहा है आप रूल फॉलो करके दिखाओ। तुमने सारे शहर के सारे नियम बर्बाद कर दिए, मैं कहाँ से वो रास्ता लाऊं जिसमें मैं नियम से चलूं। ये हिंदी दुनिया और जो नेशनल दुनिया है, इसकी अपनी एक समस्या है। पहले मुझे लगता था कि स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम की वजह से ऐसा होता है कि नॉर्थ ईस्ट को लोग कवर नहीं करते और साउथ तक नहीं जाते। स्ट्रक्चर मतलब बजट नहीं है या फिर लोग नहीं हैं,
लेकिन अब मुझे लगता है कि ये पूरी तस्वीर नहीं है। पूरी तस्वीर ये है कि जो लोग वहाँ पर लीड करते हैं या जो हैं उनके दिमाग में है ही नहीं शेष भारत, है ही नहीं। वो एक ख़ास तरह के इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं खुद भी और अपने काम में भी। वो दिन भर एक ही नेताओं के चिरकुट बयानों को दिखाते रहेंगे, उसमें स्पेस को भर देंगे, लेकिन वो अलग अलग कंट्री की डाइवर्सिटी, जैसे हम केवल नॉर्थ में देखते हैं कि उत्तर के मंदिरों को लेकर विवाद होता रहता है, हाँ हमारा दक्षिण में जो मंदिर की इतनी संस्कृति है उस पर तो कोई बात ही नहीं करता, आप देख लीजिए वो, है ना। तो वो अगर हम डाइवर्सिटी लाएँ और यहाँ की अपनी कहानियाँ लेकर आएँ, है ना, तो बहुत फ़र्क पड़ता है लोगों के समझने में। तो वो एक कुआं बना दिया गया नॉर्थ इंडिया को, और वो मीडिया जो है वो चाहता है कि नॉर्थ इंडिया हमेशा कुआं में रहे और उसके बायसेस में रहे, उस तरह के लिमिटेशंस में रहे। तो उसको फ़ायदा है कि कुएं से सामान निकाल कर कुएं में डालना है, कुएं से सामान निकाल कर कुएं में डालना है, आसमान की तरफ देखना नहीं है। तो जिसे हम नेशनल मीडिया कहते हैं, दरअसल वो रीजनल भी नहीं है, वो लोकल मीडिया है वो पूरी तरीके से। क्या है कि जो ये गाली दी जा रही है, ये एक स्ट्रक्चर के तहत गाली दी जा रही है, इसको पॉलिटिकल सपोर्ट है, है ना। अब सरकार में बैठ जाने से सब चीज़ तो आपके पास नहीं आ जाता ना, सिर्फ आपके पास सिर्फ ताकत आती है। दरोगा भेज के डरा सकते हैं, इनकम टैक्स भेज के डरा सकते हैं, यही सब छोटे मोटे छोटी मोटी ताकतें आती हैं जिसके ज़रिए आप मोहल्ले में, जैसे मोहल्ले का दादा धौंस दिखाता है, यही सब ताकत आती है सरकार में बैठने से। तो ये सब जो है सरकार के सपोर्टर के नाम पे, इसका कोई सीधा प्रमाण नहीं मिलेगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा कौन किसकी तरफ से बैटिंग कर रहा है। तो इसमें लाखों लोग लगे हुए हैं और रोज़ इस तरह के फर्जी मैसेज मेरी फैमिली के ख़िलाफ़ जनरेट किए जाते हैं। तो मैं कहाँ कहाँ जवाब दूँ, मुझे खुद को जवाब देना है। अगर मैं कोई गलत कर रहा हूँ तो मुझे वैसे ही रात भर नींद नहीं आएगी, वो आप जाने या नहीं जाने, मैं ये परेशानी मैं नहीं झेल पाता कि मुझे नींद नहीं आई आज। तो किस किस को जवाब दिया जाए, तो शांत रहा जाए और देखा जाए कि हम तो तिनके हैं लेकिन बड़ी बड़ी डालियां जो हैं चाहती हैं कि मुझे मेरे ऊपर गिर जाएं और मैं टूट जाऊं, बिखर जाऊं। तो तिनका तो कभी भी टूट सकता है, कभी भी बिखर सकता है, तिनके को तोड़ना बहुत आसान काम है ना। मैं जो काम कर रहा हूँ वो ज़्यादा मुश्किल काम है ना, कि आप सीधा डाल पर चढ़ जाना चाहते हैं। तो और बात है राहुल की, एक पैटर्न के तहत हो रहा है कि जहाँ भी लगता है कि कुछ गुंजाइश है कि ये बोल सकता है या इसको लोग सुन रहे हैं, तो उसमें पूरा तंत्र बैठ जाएगा। नहीं तो बताइए, ब्लैक स्क्रीन के बाद से कोई बीजेपी के प्रवक्ता नहीं आते हमारे कार्यक्रम में, हाँ मंत्री नहीं आते, तो मैं इसे क्या समझूँ, मुझसे घबरा, बॉयकॉट कर दिया मैं क्या समझूँ कि मुझसे घबराते हैं उनके मेरे नाम से उनके पसीने छूटते होंगे कि आ जाएगा कहीं सामने बैठ के पूछेगा तो क्या जवाब देंगे। तो अगर आप मुझे बायकॉट करके ये समझ रहे हो कि आप शेर हो, तो मैं क्यों ना अपने आप को बबर शेर समझूं, है ना, कि मेरे पास आने से आप घबराते हो। तो मुझे एक तरह से देखता हूँ कि इतनी बड़ी पार्टी, इतनी बड़ी हुकूमत और उसके लोग मेरे सामने आने से घबराते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो चलो कोई बात नहीं, आंधियों से तो हम उड़ ही जाएंगे, लेकिन थोड़े समय का ये जो गुमान है तिनका होने का वो बहुत अच्छा है। सो बीजेपी पॉलिटिशियन से रिक्वेस्ट है कि कृपया आए आपके शो में और देखें, तो भाई उनको आना चाहिए, बिल्कुल आना, खुद आना चाहिए, उन्होंने खुद ही बैन किया, खुद ही आए भाई, हम क्यों जाएं आपको बुलाने के लिए, आप आइए ना, जब भी आप आएंगे हम दोनों हाथ फैला के आपका स्वागत करेंगे। जहाँ जहाँ ये स्कोप है कि यहाँ से कोई कुछ पकड़ सकता है, उसको दबाने का की कोशिश की जा रही है। देखिए, जब वो बड़े बड़े संस्थानों को ख़त्म कर दिए, है ना, और वो उसका प्रक्रिया होता है, वो मार्केट की प्रक्रिया से टेक ओवर करा दो, है ना, या एक ही कॉरपोरेट के 50 चैनल खुलवा दो, मार्केट में कोई और चैनल ना बने, वो कॉरपोरेट नेता से मिल गया है, दिन भर उसका भजन चल रहा है, 24 घंटे उसके बकवास का लाइव चल रहा है, सारे नेताओं का एक ही तरह का सब चल रहा है, तो उसमें कोई और दूसरा अपोजिशन दिखता नहीं है। आजकल आप देखिए तो हिस्ट्री के पीछे चले गए हैं। तो जब इतने बड़े बड़े संस्थानों को, जिसको हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, उनको दबा देना, ख़त्म कर देना आसान है, तो ये बताइए कि आपको या वायर को या स्क्रोल को दबा देना क्या कौन सा मुश्किल है, या हमको दबा देना कौन सा मुश्किल है, है ना। तो वो उनके लिए वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि वो ख़त्म कर देंगे हर वो संभावना, क्योंकि अभी हमें लगता है कि YouTube में
थोड़ा फ्री स्पेस है या इंटरनेट एक फ्री डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम लोग वहाँ पर पहुँच सकते हैं, मगर सरकारें वहाँ भी पहुँच गई हैं। आप ना जैसे राजस्थान में अभी आया कि आप नाम ले लेंगे किसी अधिकारी का तो आपको 2 साल की सज़ा हो जाएगी, किसी घोटाले में नाम ले लेंगे, आप उजागर कर देंगे कि फलाने अर्बन डेवलपमेंट सचिव हैं, इन्होंने ये ठेका दिया और लगता है कि 50,000 करोड़ का इसमें घोटाला किया या 5,000 करोड़ का, तो आप जेल चले जाएंगे। और ये जनता ये देख नहीं रही है, उसको दिख क्यों नहीं रहा है? क्या ये सिर्फ पत्रकार का मामला है? क्या वो कभी नहीं जानना चाहेगी कि एक शहर के प्रोजेक्ट में कितना घोटाला हुआ? क्या जनता इसलिए एक सरकार चुनती है कि वो उसके बोलने पे पाबंदी लगा दे? वो नहीं बोलना चाहती है। मैं तो जब भारत की जनता से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप नहीं बोलना चाहती हैं? आप बताइए ना, क्या आपको बोलने का मन नहीं करता है? क्या आप चाहेंगी कि आप बोलें जनता को कि अगर आप बोलें तो आप पे सरकार तरह तरह की पाबंदियाँ लगा दें, और सिर्फ बोलने के लिए वही आज़ादी है कि आप खुशामद करते रहें, भजन करते रहें? यही बोलने का यही मतलब हो जाएगा? ये तो कभी हमारी परंपरा भी नहीं रही। हमारे जब उस समय आप लौटिए ना, रिवाइंड कीजिए ना, इतिहास में जाना चाहते हैं ना, तो आप देखिए डाइवर्सिटी डिबेट की कितना टॉलरेंस है एक दूसरे के आइडियाज को लेके। तभी तो आप हिंदू रिलीजन में इतनी सारी धाराएं हैं। ये धाराएं क्या हैं? एक दूसरे के खिलाफ एक तरह से आप देखिए तो वो रिबेल हैं, है ना, डिसेंट हैं एक तरह से। पूरा हिंदुइज्म जो है उसका बेस है वो डिसेंट के प्रति टॉलरेंस पर है। आप उसी को ख़त्म करना चाहते हैं क्या? जितने सेक्ट्स हैं और जितने तरह के आश्रम मठ हैं वो सब एक क्यों नहीं है फिर? वो अलग अलग क्यों हैं? उनके गुरुओं की पहचान अलग अलग क्यों है? उनकी पूजा पद्धति अलग अलग क्यों है? इसलिए कि सबका एक दूसरे से डिसेंट है, और ये रिलीजन डिसेंट के साथ सिखाना हमें जीना सिखाता है। अगर आप डिसेंट को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो ये आप एंटी हिंदू हो। पार्टी के लोगों को जनता की समस्या नहीं दिखती? आपने बताया कि चेन्नई में नाले पे लोग रह रहे हैं, वो पार्टी अध्यक्ष को नहीं दिखा क्या? उनको चिट्ठी लिखनी चाहिए ना अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर को कि ये जरा ठीक करवा दीजिए। वो नहीं दिख रहा है, पर सिनेमा में क्या कहा जा रहा है सरकार के खिलाफ ही नहीं दिख रहा। ये दिखने का टाइम है आपके पास, तो आप प्रॉब्लम को शिफ्ट करना चाहते हैं, आप जनता को कहीं और भटका के रखना चाहते हैं, आप ये कंट्रोल करना चाहते हैं कि वो अब सटायर किस पे करे, फिल्म में स्क्रिप्ट किससे लिखे। तो अब यही काम के करो कि फिर तो सारे अखबार और सिनेमा ये सारे चीज़ वो बीजेपी के मुख्यालय से ही रिलीज़ हुआ करें, वहीं से छप के फिर रिलीज़ हों। तो ये क्या चल रहा है? अगर वो फिल्म के सेंसर बोर्ड ने उसको इजाज़त दे दी, इतने सारे लोग जीएसटी के बारे में बात करते हैं, तो कल को आप पुलिस लगा दोगे, अपने सारे वर्कर वॉलेंटियर को लगा दोगे, कहोगे अच्छा ये जीएसटी पे मजाक कर रहा था, इसको पकड़ के जेल में बंद करो। अब वही होना बाकी रह गया ना। मुझे अच्छा लगता है एक तरह से कि ये शहर मेरे लिए पूरा अनजान बन जाता है, ठीक है, और कोई पहचानता नहीं है। तो आपको जैसे मैं पहले देखता था दिल्ली शहर में घूम घूम के, मुझे कोई नहीं जानता था, तो शहर को ऑब्ज़र्व करने का मौका मिलता है। अगर मुझे मैं तमिल जानता तो मैं सचमुच दक्षिण भारतीय हो जाता, क्योंकि मैं यहाँ यहीं आकर रिपोर्टिंग करता कि मैं नई चीज़ों को अपने हिसाब से टाइम लेके ऑब्ज़र्व कर सकता था, और कोई मुझे वो भीड़ बना के मारने वाले नहीं आते, है ना, वो व्हाट्सअप से मैसेज चला जाता कि हाँ यार रविश कुमार, तो एक खास पॉलिटिकल ग्रुप के लोग चले आते हैं, हाँ जी आप आ गए हैं यहाँ पर रिपोर्टिंग करने, आप इनसे पैसा दे के एंटी मोदी बुलवा रहे होंगे। मैं एंटी मोदी बुलवाने के लिए मेरे पास इतने पैसे थोड़ी हैं भाई कि मैं सड़क पर जाके लोगों से बुलवाता रहूँगा। तो एक तरह से भीड़ क्रिएट करते हैं, बवाल क्रिएट करते हैं, और बवाल का वही फार्मूला है, ये थाना कोर्ट कचहरी मुकदमा करो और उसी में भर्ती करो, हमारे आपके पास क्या संसाधन, इतना आसान थोड़ी है। तो अच्छा लगता है मुझे, बहुत बढ़िया, एक तो एक नई किताब की तरह है चेन्नई मेरे लिए, ठीक है, बिल्कुल नई नई किताब किसी ने हाथ में रख दी हो तो एक उत्सुकता होती है कि ज़रा प्रीफेस पहले पढ़ लें, फिर कंटेंट पहले देख लें, फिर चैप्टर 1 भी देख लें, चैप्टर 2 भी देख लें। तो जब पिछली बार शैलजा जी मुझे घुमा रही थी चेन्नई के अलग अलग इलाकों में, मंदिरों में, और वहाँ के लोकल हिस्ट्री में भी शैव मंदिर और वैष्णव मंदिर के पूरे कल्चर के बारे में, तो बहुत मज़ा आ रहा था। और सुब्रमण्यम भारती जी को उन्होंने गाकर सुना दिया तो और भी मज़ा आ गया। फिर इसको ट्रांसलेट किया कि उनकी कविताओं में किस तरह पूरा भारत यहाँ से बैठ के वो पूरे भारत की कल्पना कर रहे हैं, और हम लोग वहाँ बैठ के उत्तर और दक्षिण की कल्पना करते रहते हैं, है ना, दिशाओं में बांट के कल्पना करते रहते हैं। तो हमारा भारत ज़्यादा अधूरा है, किसी कवि लेखक का भारत देखिए कितना पूरा पूरा है। तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे सचमुच में पहली बार देखने की जो चमक होती है आँखों में वो है, उत्सुकता है, कौतूहल है, मज़ा आ रहा है दोस्त। मतलब क्या मतलब ये रवीश
आपकी रिपोर्ट 2 हम यहाँ पे देखें। बस चले तो मैं कर ही दूंगा आपके साथ ही। मैंने आप तो थोड़े थोड़े आप हिंदी जानते ही हैं, दिल्ली वाले हैं, तो आपका साथ मिल जाए तो मैं कर ही दूंगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ सर। हमारी तरफ से तो आप ये आपका है, आप इसे पकड़े और शुरू करें। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि ये आपका पहला तमिल चैनल है, यूट्यूब चैनल है, अच्छा कीजिए। देखिए आपके पीछे भी लग जाएंगे, सरकारों के पास बहुत सारे सिपाही खाली बैठे हुए हैं और लोगों को भी कुछ अपने सपोर्टर को भी उन्होंने सिपाही की तरह बदल दिया है, तो देखेंगे कहाँ GST बोल रहा है, कहाँ नोटबंदी होता तो उनके दिमाग में बीप हो जाता है, वो लाठी लेकर दौड़ाएंगे। लेकिन करते रहिए लोगों की समस्याओं पर, लगातार करते रहिए, लोगों को लगे कोई हमारे बारे में बात कर रहा है। बात करना बड़ा मूल चरित्र है लोकतंत्र का, वो अगर बंद हो जाएगा तो फिर क्या बचेगा मुझे मालूम नहीं। इसी बात करने के लिए, आज़ादी के लिए तो लोगों ने पूरे देश भर में लाठियां खाई ना, 40 50 100 साल लगभग 1857 से लेकर 1947 तक उन्होंने कितने लोग फांसी पर चढ़ गए, ऐसे जाने दें क्या? ऐसे तो नहीं जाने देंगे, तो फिर हम किस आधार पर हम दावा करेंगे कि हम उनकी लेगेसी को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो जम के पत्रकारिता कीजिए, लोगों की आवाज़ को उठाइए और देखिए कि किस तरह से मीडिया के स्पेस में क्रिटिसिज्म गायब हो रहा है, इसको भी आप हाईलाइट कीजिए अपने रीडर्स के ज़रिए और बताइए कि वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे, केबल पे आप पैसा खर्च कर रहे हैं, अखबार खरीदने में जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, मत कीजिए फिर, या तो बंद कर दीजिए देखना या फोर्स कीजिए उनको। अगर आप बिना अखबार के नहीं रह सकते तो मैं एक और तरीका बताता हूँ, जो अखबार आपके घर में पिछले 4 साल 5 साल से आ रहा है उसको बंद कर दीजिए, दूसरा अखबार ले लीजिए, हर महीने दूसरा अखबार ले लीजिए, ये तो हो सकता है ना? करेक्ट करेक्ट, ये तो हो सकता है। और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, देखिए ऐसा बात नहीं सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, मैं आपको दिखा रहा हूँ राजस्थान पत्रिका, ये बड़ा अखबार है, तो इसके संपादक ने लिखा है उखाड़ फेंकेगी जनता गुलाब कोठारी, अरे इनके साथ भी, इनके अखबार को भी ऐड वगैरह नहीं दिया जा रहा है और इन्होंने इसके बारे में लिखा भी है और वो खुल के लिख रहे हैं कि ये जो कानून है ना दागी लोक सेवकों को ये सब प्रोटेक्ट करने के लिए, वो बनाने के लिए जो कानून ला रही है यहाँ की सरकार राजस्थान की, उसके कॉन्टेक्स्ट में लगता है इन्होंने लिखा है, तो लोग लिख रहे हैं, तो अगर जनता सपोर्ट देगी तो इस तरह से पत्रकारों को भी संपादकों को भी का भी हौसला बढ़ेगा कि करना चाहिए, पब्लिक हमारे साथ नहीं। हुआ क्या ना 3 साल में कि पब्लिक को भक्त बनाने की कोशिश की गई, पब्लिक को क्यों भक्त करना, पब्लिक को वोट देना चाहिए, जम के देना चाहिए जो इसको पसंद आ जाए, वोट देने के बाद आपका काम ख़त्म होता है। अब आप आई लौटिए पीछे के बेंच पर बैठिए और सीन बाय सीन सिनेमा देखिए, जो सीन ठीक लगे उसको बोलिए ठीक है, जो सीन खराब लगे बोलिए खराब। आपका काम हर सीन में ताली बजाना नहीं है, पब्लिक का, ये पब्लिक का काम नहीं होता, पब्लिक का काम होता है लगातार क्रिटिकल होते रहना, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि सरकार में कौन सा उद्योगपति बैठा हुआ है, 4 आदमी किस कमरे में बैठ के पूरा डील बना लेते हैं, पॉलिसी आती है और करोड़ों ले जाते हैं और आप 50 साल से गरीब ही गरीब बने, है ना? आप बुलेट ट्रेन का लॉजिक लगाते हैं, भाई 2022 तक एक रूट का तो आप सपना पूरा कर देंगे, बाकी जगहों पे तो रेल भी ढंग से नहीं पहुंची है, तो गरीब का सपना सपना नहीं है, वो कब पूरा करेंगे आप 2078 में? नहीं होगा ना? वो पॉसिबल लग नहीं रहा है, जो भी है, लेकिन हम मुझे लगता है कि समाज को थोड़ा क्रिटिकल होना चाहिए कि ये इतनी बंदिशें क्यों हैं। देखिए समाज रोज नहीं बोल रहा, वो तो अखबार खरीद के पढ़ रहा है, वो टीवी खरीद के पढ़ रहा है, तो हाँ वो कहेगा कि हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई आप लिखो ना पहले फेसबुक पे, ममता बनर्जी ने, ममता बनर्जी के खिलाफ लोगों ने लिख दिया तो उनको जेल भेज दी, यूपी में किसी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ लिख दिया तो वो 68 दिन 60 दिन जेल में रखे, क्यों आना चाहिए रहना चाहिए, क्यों नहीं लिखना चाहिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ, क्यों नहीं लिखना चाहिए? मना है देश के संविधान में, मना है नहीं। ये जो सेंसरशिप का जो आइडिया है ये सब सरकारों में फैल रहा है, ये वायरस है, आप देखिए ना दिल्ली से शुरू होता है और किस तरह से आप योगी जी के खिलाफ लिख दिए तो जेल चले जाएंगे, ममता बनर्जी के खिलाफ भी लिखिए तो जेल चले जाएंगे, तो ऐसा करो कि सारे पब्लिक को, पूरे भारत को जेल घोषित कर दी जाए। लोग कह रहे थे कि आपका चैनल खरीद लेगा तो आप सड़क पर आ जाएंगे, हम तो सड़क पर ही हैं, हम कब आ जाएंगे सड़क पर? और ये अच्छी बात है किसी को कहना कि सड़क पर आ जाएंगे, इतना गुमान सत्ता का कि मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ वो चेन्नई का एक मुख्य इलाका है और यहाँ पर सुबह सुबह बिना फूल के तो चेन्नई जगता नहीं है, लेकिन बिना धूल के भी लगता है चेन्नई रहता नहीं है, तो हम आपको दिखा रहे हैं अपने
राइट साइड में आपको ये देखिए कि जो स्वच्छ भारत अभियान है वो विज्ञापन में ज़्यादा है, और बहुत चालाकी से सरकार ने ये कह दिया ये लोगों का काम। नहीं नहीं, लोगों का काम है, बहुत सारे लोगों ने इस अभियान के तहत अच्छा काम किया है वो अपने स्तर पर, लेकिन ये जो कचरा उठाने का काम है वो सरकार का काम है, वो नगर पालिका का काम है जिसके लिए काम दिया गया। अगर लोगों का ही काम है तो नगर पालिका ख़त्म कर दीजिए, फिर वहाँ क्यों लोगों को सैलरी दिया जा रहा है। तो बजट का जो हिस्सा है ये हमें पता नहीं चलता कि शहर में सफाई के कितने उपकरण या मशीनें खरीदी गई हैं, लेकिन विज्ञापन है चारों तरफ, उसका पखवाड़ा 15 दिन का पखवाड़ा फलाने विभाग में, किसी मलेरिया डिपार्टमेंट में काम हो या ना हो, लेकिन स्वच्छता पखवाड़ा मनता है वहाँ पर। तो इस तरह से एक हमने इसको मजाक बना रहे हैं और समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, समाधान की एक छवि बना दी गई है कि ये स्वच्छता अभियान उस समाधान की इमेज है, सोल्यूशन नहीं है, तो एक इमेज बना दिया जाता है। तो आप देख ही रहे हैं कि ये जो चेन्नई का मोहल्ला है, और भी दिखा सकता हूँ आप चाहें तो कैमरा घुमा के, कि किस तरह से यहाँ के शहर की जो सफाई है वो बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन पिछली बार जब मैं आया था तो चेन्ना स्वामी स्टेडियम के पीछे भी जाकर देखा था तो काफ़ी गंदगी थी वहाँ पर, और मुझे लगता है कि हम लोग पत्रकार लोग स्टूडियो से निकलकर सड़कों पर आए और वहीं पर देखें कि जो हकीकत है सरकार की योजनाओं की वो क्या है, क्या सरकार अपनी योजना को लेकर, स्वच्छता अभियान को लेकर हर गली मोहल्ले में पहुंच पा रही है। मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं पहुंच पा रही है। शहर शहर में गंदगी भरी पड़ी है, गायें अभी भी जो कि हमारी माता हैं प्लास्टिक खा रही हैं, और प्लास्टिक खाते हुए हमारी भावना आहत नहीं होती है, वो मर रही हैं, वैसे तो वो कोई भावना आहत नहीं हो रही। तो अभी भी शहर में, किसी भी, मैं जिस शहर से आता हूँ वहाँ भी, दिल्ली में भी कचरे का अंबार लगा हुआ है, उसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसे विज्ञापनों के जरिए, स्लोगन के जरिए, नैतिक शिक्षा के जरिए जन अभियान में बदलने की जो एक नौटंकी है वो छोड़ के हमें ढांचा खड़ा करना चाहिए, और उसी जनता से कहना चाहिए कि आप 10 रुपये और दे दो, वैसे सेस लग रहा है, ताकि इस शहर में और कुछ गाड़ियाँ आ जाएँ जो कचरे को तुरंत तुरंत उठाएँ, और उठाएँ ही नहीं, उनको ट्रीट करने के लिए, सेग्रीगेट करने के लिए, निस्तारण करने के लिए बहुत ही महंगा होता है, बहुत ही महंगा उपकरण है, तो वहाँ उसका भी इंतज़ाम हो। ये सब हो नहीं रहा है। हर शहर में जाकर देखिए तो जो सफाई कर्मी हैं उनको आप विज्ञापन में पता नहीं क्या क्या घोषित कर दे रहे हैं, ये राष्ट्रभक्त हैं तो ये देश की सेवा कर रहे हैं, और सैलरी उनको कोई दे नहीं रहा है। ज़्यादातर जगहों के सफाई कर्मी अपने वेतन के लिए लाठी खा रहे हैं, तो उनको सामाजिक सम्मान तो नहीं मिल रहा है, उनकी मेहनत का जो आर्थिक परिणाम है वो भी उनको नहीं मिल रहा है, तो कैसे काम करेंगे। तो आपको देखना चाहिए कि स्वच्छता को लेकर अब जरा ढंग से डिबेट कीजिए। वो बहुत अच्छा आइडिया था जिसको लेकर तुरंत लोग प्रभावित हो गए कि हाँ बहुत अच्छी बात है, और अब तो गांधी जी को 2 अक्टूबर को हम तो याद ही नहीं करते हैं, 2-4 लोग निकल जाते हैं स्वच्छता का बैनर लगा के घूम आते हैं, वो स्वच्छता दिवस बन जाता है। तो कायदे से 2 अक्टूबर की स्मृति जो है ना वो अब पीछे चली गई है, वो आपको बाद में ये बात समझ में आएगी, कई साल बाद समझ में आएगी, अभी समझ में नहीं आएगी। लेकिन हमें अब वक्त आ गया है कि हम स्वच्छता की स्थिति का, उसके नतीजों का मूल्यांकन करें, क्योंकि 3 साल बहुत बड़ा वक्त होता है, और एक सरकार के पास अकेला कोई एक आदमी नहीं होता, उसके पास पूरा सिस्टम होता है, देश का पूरा सिस्टम होता है, तो उसका मूल्यांकन करना चाहिए। उसमें लगे सिस्टम को खड़ा करने में जनता को कुछ कंट्रीब्यूट करना है तो वो करना चाहिए। जनता ने अपनी तरफ से बहुत सारे एक्सेप्शनल स्टोरीज की हैं और अच्छा अच्छा काम किए हैं, वो और फैलता रहे बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्वच्छता को लेकर जो होना चाहिए था वो हुआ है। तो चेन्नई से रूस्टर न्यूज़ के लिए आप देख रहे थे रवीश की रिपोर्ट, जो NDTV इंडिया का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, तो मैं प्राइम टाइम के की तरफ से चेन्नई के दर्शकों के प्रति आभार भी प्रकट करता हूँ, और ये छोटा सा हिस्सा आपके सम्मान में अर्पित करता हूँ।